दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने मौजूद महिलाओं को खुशहाल जीवन के गुर सिखाए। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम पे आज बाबा रामदेव ने लगभग दिल्ली एनसीआर की 5500 महिलाओं को संदेश दिया। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और ये महिलाएं पतंजलि विश्वविद्यालय भारत स्वाभिमान जो कि पतंजलि का दिल्ली एनसीआर में एक प्रमुख केंद्र है, साथ ही साथ G20 जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है उसका जो महिला विंग है यानी W20 उससे जुड़ी हुई है। और देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। आज बाबा रामदेव ने बड़े संदेश दिए हैं, उसमें से प्रमुख संदेश क्या लेकर घर जा रही है? यही लेकर जा रहे हैं कि हम अपने स्वस्थ रहेंगे, अपने आगे वाले पीढ़ियों को भी स्वस्थ रखेंगे। धैर्य रखना चाहिए और धैर्य में ही शक्ति है, दृढ़ता और विश्वास करना चाहिए। योग करेंगे कराएंगे और धैर्य रख के कराएंगे। योग करेंगे कराएंगे और सारी दुनिया में योग का नाम करेंगे। जिस तरीके से योग को सनातन धर्म से भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है उसका प्रचार प्रसार जरूरी है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, उसे किस तरीके से आप यहाँ से लेकर जा रही हैं? बस धैर्य रखेंगे और योग रोज कराएंगे और घर घर से लेकर आएंगे, हर घर में एक परिवार में एक योग शिक्षक जरूर बनाएंगे, परिवार में भी एक योग शिक्षक बनाएंगे। कुछ हम हैं, अपने परिवार को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। हम तो कराते भी हैं। मैडम सबसे बड़ी बात है कि हम खुद योग करेंगे और सभी योग कराएंगे और एक दिन भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हम योग करेंगे तो हम तभी अपने परिवार को अपने देश को हम आगे बढ़ा पाएंगे। राष्ट्र धर्म का पालन करने की भी संदेश दिया है बाबा रामदेव ने, वो कैसे आप उसे आज अपने घर लेकर जा रहे हैं? देखिए हम 15-20 साल से योग कर रहे हैं, हमने कम से कम 1000 लोगों को बीमारियां ठीक की हैं और मैं रजौरी गठन की उषा गौतम संगठन मंत्री हूं और कोई प्यासा नहीं लेते हैं और बाबा जी भी नहीं लेते हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं। आज घर घर में बच्चों के अच्छे संस्कार हो रहे हैं, वो सिखाते हैं माता पिता के जब सेवा करोगे तभी तुम्हारा उद्धार। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि योग करेंगे तो राष्ट्र धर्म आगे बढ़ेगा, सनातन युग आगे योग धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है और एक दिन पूरी दुनिया इस योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म के पीछे आएगी, क्योंकि जिस तरह से संसार में रोग बढ़ रहे हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, इन सब रोगों का समाधान योग में है, अध्यात्म में है। इसलिए योग धर्म और इस सनातन धर्म को राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी बनाने के लिए सब माँ बहन बेटियों ने आज संकल्प लिया है और 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तैयारी भी की है और इसी के द्वारा चरित्र निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा, नए युग का निर्माण होगा। सनातन धर्म का ऐसा महातीर्थ हम दिल्ली में बनाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, भारतीय ज्ञान और विज्ञान का वर्चस्व जब दिल्ली से आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगा।